بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم and good morning grade 7. I hope you all are fine. Today we are going to discuss page number 28, chapter ethics. Rights of human beings, इंसानों के हकों की इस्लाम का इसमें इस्लाम इंसान की रहनुमाई करता है with regards इस सिलसिले में to his dealing के उसके मामलात with other members दूसरे लोगों के साथ of society मुआशरे के it lays emphasis upon जस्टिस ये जोर देता है इंसाफ पे ट्रस्ट यकीन पे रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी जानो माल का एहतराम पेशेंस बर्दाश्त करना सब्र करना ट्रूथफुलनेस सच्चाई एंड फॉरगिवनेस और माफ़ करने पे जो इस्लाम है ये रहनुमाई करता है सोसाइटी के इन तमाम जो मामला थे इनमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सैड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क्रिएशन इज द फैमिली ऑफ अल्लाह जो अल्लाह ताला की मखलूक है ये अल्लाह ताला की फैमिली है सो डियरेस्ट ऑफ क्रिएशन तो इनमें से सबसे जो अल्लाह ताला को प्यारा है अपनी क्रिएशन में से मखलूक में से टू अल्लाह इज ही हु इज बेस्ट टू हिज फैमिली जो इसकी फैमिली के साथ अच्छा है जो इसकी मखलूक के साथ अच्छा है एंड ऑल्सो ही हु इज नॉट अफेक्शनेट टू अल्लाहस क्रिएचर अल्लाह विल नॉट बी अफेक्शनेट टू हिम तो जो शख्स अल्लाह ताला की बनाई मखलूक के साथ प्यार नहीं करता तो अल्लाह ताला भी उसके साथ प्यार नहीं करते अल्लाह हैज स्ट्रेस्ड अपॉन अस टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स अल्लाह ताला ने हम पे स्ट्रेस्ड जोर दिया है अपॉन टू अस टू प्रोटेक्ट द राइट्स के हम ख्याल रखें ह्यूमन बींग्स के राइट्स का उनके जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका हम ख्याल रखें उनके उनके साथ अच्छा सलूक करें और जो उनके हक हैं वो उनको दें दीज इंक्लूड पेरेंट्स नेबर्स रिलेटिव्स गेस्ट एंड द सिक पीपल और इनमें इंक्लूड्स हैं माँ बाप नेबर हमसाए रिलेटिव्स रिश्तेदार गेस्ट मेहमान एंड द सिक पीपल और बीमार लोग राइट्स ऑफ रिलेटिव्स रिश्तेदारों के हकूक नेक्स्ट टू द पेरेंट्स फॉल दैट के बाद इस्लाम lays the greatest stress upon the rights of the relatives. Islam में जोर दिया गया है रिश्तेदारों के हकूक का पेरेंट्स के हकूक के बाद रिश्तेदारों के जो राइट्स हैं उन पर जोर दिया गया था होली कुरान कमांड्स होली कुरान में हुक्म दिया गया है अस टू डू गुड एंड शो काइंडनेस के हम अच्छा सलूक करें और काइंडनेस मेहरबानी शो करें टू आवर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों पे एंड द कमांड टू डू सो और ये जो हुक्म है ये उसके बाद आया है कम इमिडिएटली फौरन बाद आफ्टर द कमांड उस हुक्म के बाद टू डू गुड टू आवर पेरेंट्स हमारे वालदैन के साथ अच्छा सलूक करने के फौरन बाद जो हुक्म आया है वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का है द कुरान सेज वर्शिप नॉन बट अल्लाह इबादत करो सिर्फ अल्लाह की एंड ट्रीट विद काइंडनेस योर पेरेंट्स और मेहरबानी से सलूक करो अच्छा सलूक करो अपने पेरेंट्स के साथ एंड किंडर्ड और अपने रिश्तेदारों के साथ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज रिपोर्टेड टू हैव सेड रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नकल किया गया है गिविंग ऑफ आर्म्स टू रिलेटिव्स खैरात जो है देना रिश्तेदारों को हैज टू रिवार्ड इसके दो इनाम है वन इज द रिवार्ड ऑफ आर्म्स एक रिवार्ड है जो हम खैरात करते हैं वो हमें वापस मिल जाती है एंड द अदर इज द रिवार्ड ऑफ हेल्पिंग रिलेटिव्स और दूसरा इसका अजर है जो हम उनके रिश्तेदारों की मदद करते हैं उसका एंड अ पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ रिलेटिव्स और एक पर्सन एक इंसान जो इज्जत नहीं करता हकूक की अपने रिश्तेदारों पे विल नॉट एंटर पैराडाइज वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता ही आल्सो सेड आपने ये भी फरमाया वन हु ब्रेक ऑफ हिज रिलेशंस जो अपने रिलेशंस ब्रेक करता है तोड़ता है रिश्तेदारी को खत्म करता है विद हिज रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों के साथ शैल नॉट एंटर पैराडाइज तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा ऑफ सिख्स बीमारों के हकूक आ विजिट फ्रॉम अस मे चीर अप अ सिख रिलेटिव और फ्रेंड हमारा एक विजिट करना हमारा पता करने जाना मे चीर अप खुशी दे सकता है अ सिख रिलेटिव एक बीमार रिश्तेदार को और फ्रेंड या दोस्त को द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू विजिट द सिख हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट करते थे सिख बीमार की एंड कम्फर्ट देम और उनको तसल्ली देते थे इन इस्लाम इस्लाम में विजिटिंग द सिख बीमार को देखने जाना टू इंक्वायर और उसका पता करना अबाउट देयर हेल्थ उनके सेहत के मुतल्लिक पूछना एंड लुकिंग आफ्टर उसको देखना देम इज कंसीडर्ड इसको समझा जाता है टू बी अ फॉर्म ऑफ वर्शिप इबादत का एक हिस्सा अबाउट विजिटिंग द सिख अबाउट के बारे में विजिटिंग जाना द
एक बीमार का पता करने जाना था। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सैड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व्हेन अ मुस्लिम बिकम इल, जब एक मुसलमान बीमार होता है, विजिट हिम, उसको देखो एंड इंक्वायर अबाउट हिज हेल्थ, और इसके सेहत के बारे में दरियाफ्त करो। ही आल्सो सैड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया व्हेन यू विजिट अ सिक पर्सन, जब तुम विजिट करते हो किसी बीमार के, बीमार का कंसोल, उसकी तसल्ली दो उसे बाई एंड बाई प्रेइंग फॉर हिज लॉन्ग लाइफ, और उसकी उसे तसल्ली दें और उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, लंबी जिंदगी के लिए दुआ करें। था होली प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम सैड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह विल से टू समवन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह ताला किसी से कहेंगे क्यामत के दिन, ओ सन ऑफ आदम, ओ आदम अलैहिस्सलाम की के बेटे, आई वॉज सिक, मैं बीमार था, बट यू डिड नॉट विजिट मी, लेकिन तुमने मेरा पता नहीं किया, तुमने विजिट नहीं किया। द मैन विल आंसर, तो वो इंसान जो वो जवाब देगा, यू आर द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, आप दुनिया के खुदा हैं, आप दुनियाओं के खुदा हैं, कुल कायनात के मालिक हैं। हाउ कुड आई हैव पेड अ विजिट टू यू, तो मैं कैसे आपको देखने आता, कैसे मैं आपका पता करने आता। अल्लाह विल से, अल्लाह ताला फरमाएंगे, डिड यू नो दैट वन ऑफ माई सर्वेंट वॉज इल, क्या तुम्हें पता था, क्या तुम नहीं जानते थे कि मेरा एक बंदा जो था वो बीमार था। हैड यू गोन टू सी हिम, क्या तुम उसको देखने गए, यू वुड हैव फाउंड मी बाय हिज साइड, तुम मुझे पाते उसके एक तरफ। सेवन, आई होप यू गॉट इट, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन एंड एनी डिफिकल्टी लेट मी नो अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।